मैंने उसके बैग में डाल दिया। यहां से तो निकल गई लेकिन वहां से कैसे निकलेगी? Excuse me, madam. Please show your purse. Hey, what's this? ये मेरे बैग में कैसे आया? मुझे नहीं मालूम। I swear मैंने नहीं रखा इसे। Hey, call the police. But listen to me. It's not my fault. Please. Sorry, ma'am. Excuse me, sir. Can I make a call? Yes, ma'am. Thank you. फोन आया नहीं अब तक, कहीं पुलिस ने छोड़ तो नहीं दिया उसको? आया। हेलो, चौबे स्पीकिंग। हेलो, मैं लीली बोल रही हूँ, पुलिस स्टेशन से। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं लीली बोल रही हूँ। हेलो, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया है। हेलो, आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरे हो गए हो? तुम्हारा देख के आज चुचू में नहीं आओ। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ, 2000 लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाइए। चुमाव सिंह आवाज बाजी। 2000 लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाइए वरना सारी रात मुझे जेल में काटनी पड़ेगी। अरे नहीं, कौन गधा बोल रहा, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ओके, वेयर इज द सेल? ओ महाराज, आप कहाँ हैं, क्या हुआ? आपको नहीं लगता कि हम लोग सासू जी के साथ कुछ ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। उसने एक बिफरी हुई शेरनी की तरह मेरी जिंदगी को फाड़ के रख दिया है। तुमने एक बेबस परिंदे की तरह उसको अंदर कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। शी डिजर्व्स दैट। चाचा जी, एक बात कहूँ? क्या? इन्होंने आपकी बीवी को तो अंदर करा दिया है, अब आप इनको अपनी बीवी से तो मिलने दो। मैंने मना किया क्या? चाचा जी आपकी आज्ञा हो तो मैं मधु से जरा बात कर लूँ। हाँ जाओ, शेर की तरह जाना, ईदड़ की तरह नहीं। मेरा दोस्त कितना शरीफ है, इसने अपनी पत्नी से मिलने के लिए आपसे आज्ञा ली। अगर मैं आपका दामाद होता ना तो क्या करता? मैं भी आपकी आज्ञा लेता। डर 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 डर। गोपी, तुम्हारी ये जबरदस्ती मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी तो ऐसे बोल रहे जैसे बहुत ज्यादा अच्छी। शट अप, तुम्हारे ये गवारपन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इंडिया छोड़कर सिंगापुर आई। हमको गवार मत बोलना। अरे अब तुम्हारे प्यार के खातिर देखना हम कैसे मॉडर्न हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी मम्मी के साथ बैठकर कोनियाक पिएंगे, पफ मारेंगे, पट्टे खेलेंगे, तुमको डिस्को में ले जाएंगे, जींस की पैंट पहन लेंगे टाइट और उसको यहाँ से फाड़ डालेंगे और उसके अंदर लिख देंगे टेक इट इजी और कान के अंदर बाली पहन लेंगे और चूहा कट बाल काट कर पूरे शहर में घूमेंगे, तुम भी कहोगे का चूहा पाई हो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे वही ले जा रहे हैं जहाँ से आए हैं भाई, और वही करेंगे जो एक पति को पत्नी के साथ करना चाहिए। तुम भी ऐसे ही खा मचा। उठो। अरे तुम आ गई, कहाँ थी तुम? शर्म नहीं आती? कैसे मर्द हो तुम? तुम्हारी बीवी सारी रात घर के बाहर रही और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। तो मेरी बीवी तो दो दो रातें घर से बाहर रहती पार्टियों में, मैं समझा तुम पार्टी में गई होंगी। तुम्हें पुलिस स्टेशन से $2000 लाने के लिए मैंने कितने फोन किए पर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुँच ही नहीं रही थी। यहाँ तो कोई ऐसा फोन आया नहीं। हाँ, एक फोन आया था पर उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। चीख चीख कर मेरा गला फट गया, ये तुमने जान बूझ कर किया है। तुम्हारी वजह से मैं सारी रात पुलिस स्टेशन में बंद रही, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक रात में क्या फर्क पड़ता है? शट अप मम्मी। मधु, मधु क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, गोपी ने ना। क्या? सारी रात ये क्या हो रहा है? क्या? वो गवार गोपी का बच्चा मधु के कमरे में गया है कैसे? मुझे क्या मालूम, मैंने तो एक हफ्ते से उसकी शक्ल भी नहीं देखी। वो आया था क्या? अरे क्या वो आया था क्या, मैंने उसे उसकी हरकत की सजा नहीं दी तो मेरा नाम भी लीली नहीं। वो तो है। मधु बेटी जा, जाके तू तैयार हो, तुम गाड़ी निकालो। जाना कहाँ है? गाड़ी निकालो, सवाल कम करो। अच्छा। प्लीज शीला, फॉरगेट इट। हाउ कैन आई फॉरगेट? तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई की निगाहों से गिर गई। मेरा प्यारा भाई मंडप से बिना दुल्हन के लौट आया। यू नो
शर्म की वजह से मैं इंडिया नहीं जा सकती। आई अंडरस्टैंड शीला, पर मैं क्या करती? मैं तो मधु की शादी तुम्हारे भाई के साथ ही करना चाहती थी, मगर एन वक्त पर वो गुंडा आया और जबरदस्ती मेरी बेटी को उठा कर ले गया। तो अपनी सहेली को ये भी बता दो ना कि उस गुंडे की और तुम्हारी बेटी के फेरे हो चुके हैं, वो दोनों मियां बीबी हैं कानूनी तौर पर। जबरदस्ती से की हुई शादी शादी नहीं होती, समझे? काहे की जबरदस्ती? बेटी तू बोल, उसने कोई जबरदस्ती की थी? जी नहीं। नहीं, मेरी बेटी मासूम थी। और इंडिया में तो जादू टोने होते ही रहते हैं, पता नहीं कौन सा काला जादू उसने मेरी बेटी पर कर दिया था। यू शुड बिलीव मी शीला, अब मेरी बेटी उसके चुंगल से आजाद है। तू एक काम कर, जल्दी से विकी को सिंगापुर बुला ले, हम इन दोनों की शादी यहीं कर देंगे। शीला, हाँ? चुप क्यों है? Say something. मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ थी और आज भी हूँ। थैंक यू वेरी मच। यू डोंट वरी, मैं आज ही विकी को आने के लिए फोन कर देती हूँ। अब देखती हूँ उस कंवार के बच्चे को। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया क्लब में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, मगर आज इंडिया क्लब में एक नए मेहमान पधारे हैं, मिस्टर गोपी। मिस्टर सेक्रेटरी, ये हमारे क्लब की इंसल्ट है, आपने ऐसे घटिया और गवार लोगों को क्लब में एंटर करने की इजाजत कैसे दी? आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये तो बनारस की बहुत बड़ी हस्ती है। ये जो शक्ल से अनपढ़ गवार और जंगली नजर आते हो, आप उन्हें ऊंची और बड़ी हस्ती कहते हैं? ऐसे छोटे लोगों के साथ तो मैं खड़े रहना भी पसंद नहीं करती। चलो बेटी, ये मेरा हाथ। आओ चलो। एक मिनट, इन्होंने हमारी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है, हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अभी अभी इन्होंने हमारी तारीफ में कहा कि हम अनपढ़ जाहिल और गवार, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो क्या हम गवार हो गए? अगर हम अपनी जन्म देने वाली माँ से प्यार करते हैं तो क्या हम गवार हो गए? अगर हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को गले लगाकर रखना चाहते हैं तो क्या हम गवार हो गए? और अगर ऐसा सब कुछ करने से इंसान गवार हो जाता है तो भगवान करे हम जिंदगी पर गवार ही रहे भैया। हाँ, लेकिन एक पॉइंट है भाई साहब, एक पॉइंट है। ये अनपढ़ गवार जो होते हैं ना, वो बहुत टेम्पिस होते हैं। एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, चपड़ जाते हैं। चाहे वो चीज विदेश चली जाए, चांद पे चली जाए, या ब्रह्मांड में कहीं हो जाए, तो अरे यहाँ पर कोई डॉक्टर है? डॉक्टर? Excuse me, I'm a doctor. She's pregnant. ये तो माँ बनने वाली है। अरे हाथ तो छोड़, मुबारक हो आप नानी बनने वाली है, मिठाई भगाओ, शराब भगाओ। अरे लिली, तुम तो कह रही थी इसकी शादी नहीं हुई, फिर ये माँ कैसे बनी? मैं तो मजाक कर रही थी, मधु की शादी हो गई है, आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। अरे अरे, फिर एक काम कीजिए ना, अब इन सबको एक बार इनके पति से मिला दीजिए। अब वो आ गया मधु का पति। हाय लिली। हाय। हाय आंटी। हाय। आओ बेटे, ये है मधु का पति विक्की। चल मन, चला चल। अरे गोपी, गोपी बेटा रुक तो सही, कहाँ जा रहा है तू? हम जा रहे हैं हिंदुस्तान। अरे कैसी बात कर रहा है तू? बिल्कुल ठीक बोल रहा है, इतनी बेइज्जती सुनने के बाद यहाँ पर रुकेंगे क्या? देख बेटा, मेरी बेटी को तो अकल है नहीं, वो नादान है। उसकी माँ ने ऐसे काबू में करके रखा है कि उसके दिमाग से सोचती है, उसकी आंखों से दुनिया को देखती है। मैंने सोचा था तू आएगा, इस घर को सुधार देगा। अरे हम यहाँ पर किसी को सुधारने के लिए नहीं आए, हम अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर आए थे। और उसका हमको इसीलिए मिला कि हमारी पत्नी को किसी और की पत्नी कहा जा रहा है, हमारे होने वाले बेटे का बाप किसी और को कहा जा रहा है। अरे अगर बनारस होता ना तो साला काट डालता। तू ठहरना यार। देख बेटा, मेरे लिए ना सही, अपनी बीवी के लिए ना सही, मगर अपने होने वाले बच्चे के लिए तू रुक जा, उसका क्या कसूर है? कॉपी भैया, चाचा जी ठीक कह रहे हैं, भाभी के साथ साथ मेरा भतीजा भी इस घर के माहौल में खो जाएगा। तो ठीक कह रहा है मंजला, हम रुक जाते हैं। अब देखना, अब मधु तो क्या, उसके बाप को भी अगर सुधार नहीं, बाप नहीं भाई, माँ। हाँ वही, उसकी माँ को भी अगर सुधार नहीं दिया तो हमारा नाम गोपी नहीं। आप शरीफ आदमी है ना, आपके साथ ऐसा होता ही रहता है। चल बेटा,